मॉर्निंग फर्स्ट क्लास, दिस इज आवर चैप्टर नंबर 4, एडिशन ऑफ 3 नंबर्स. ओके, एंड ये आपका वीडियो 4 है इस लेसन का. अब चलो हम अपना लेसन कंटिन्यू करते हैं. हमने प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा था कि किस तरीके से आप नंबर लाइंस पे डिजिट को ऐड करते हो और किस तरह से हम वंस, टेंस एंड हंड्रेड इन तीनों डिजिट्स को प्लस करते हैं. जैसे कि आपको बताया गया था, इधर देखिए, जैसे आपको बताया गया था कि ये क्वेश्चन है 3, 2, 1, 3, 2, 4. ओके, ये आपका वंस वाली डिजिट है, ये टेंस की डिजिट है और ये हंड्रेड की डिजिट है. ठीक है, अब पहले आपको वंस की डिजिट काउंट करनी है फिंगर पे. जैसे मैंने बताया था आपको, लाइक वन, उसके बाद थ्री, 1, 2, 3, तो ये यहाँ तक आपको काउंट कर लेना है. कितना हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, कितना आ जाएगा यहाँ पर, 4. अब इसी तरीके से आपको टेंस की डिजिट काउंट करनी है. सबसे पहले 2 आप काउंट करो, 1, 2, उसके बाद 2 और 1, 2, अब ये कितना हो गया टोटल, 1, 2, 3, 4, तो ये आपका 4 हो जाएगा. अब आपको 100 की डिजिट काउंट करनी है. जैसे ये 3 है तो फिंगर पे 3 काउंट करो, 1, 2, 3, और उसके बाद ये 4 ऐड करो, 1, 2, 3, 4, तो यहाँ तक आपको ये सब कुछ काउंट करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कितना हो जाएगा ये आपका, 7. तो इस तरीके से भी आप काउंट कर सकते हैं या आप इस तरीके से भी कर सकते हैं. लाइक ये 1 है तो ये 1 स्टिक और ये 3 है तो यहाँ 1, 2, 3 स्टिक, तो ये क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, तो वंस की 4 आ जाएगा. ठीक है, इस तरीके से आप इसे और 100 वाली डिजिट इन तीनों को ही ऐड कर सकते हैं. आज हम अपने इस लेसन में पढ़ेंगे कि आप जब एडिशन करते हो तो किस तरीके से एक नंबर को कैरी करते हो, ये वाला टॉपिक आज हम इस लेसन में कवर करेंगे. ओके, पेज नंबर 80 पे आ जाइए. ये पेज नंबर 80 का हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व है. सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं कैसे होता है, आप किस तरीके से किसी नंबर को कैरी करते हो वो आज हम इसमें पढ़ेंगे. देखिए, इस तरह के सम्स को हम कैसे करते हैं, कैरी वाले जो सम्स होते हैं वो कैसे करते हैं. ओके, ये जैसे आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, 5, 1, 9, 8, ये आपकी वंस की डिजिट है एंड ये आपकी टेंस की डिजिट है, इसको आपको प्लस करना है. तो बेटा आप कैसे प्लस करेंगे, सबसे पहले आप काउंट कीजिए 9 और 8 कितना होता है. ठीक है, या तो आप स्टिक वाले से कर लीजिए या फिंगर्स पे काउंट कीजिए. जैसे कि स्टिक वाला यानी कि 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और ये 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये कितना हो जाएगा टोटल, इसे काउंट करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, तो ये कितना हो गया, 17 हो गया. ठीक है, तो बेटा इसमें जब ये दो नंबर की डिजिट आती है, अभी तक आपने क्या देखा, जो सम्स हम प्लस कर रहे थे उसमें सिर्फ एक नंबर की डिजिट आ रही थी. ओके, लेकिन यहाँ पे ये टू डिजिट है, वंस की एंड टेंस की. ठीक है, तो जो ये वंस की डिजिट है इसे हम वंस के नीचे रखेंगे, 7 को हम वंस वाली डिजिट के नीचे रखेंगे, और जो ये टेंस की डिजिट है 1, ये टेंस की डिजिट यहाँ पे 1 कैरी कर लेंगे हम. कहाँ कैरी हो जाएगा, यहाँ पर ये आपका 1 कैरी हो जाएगा. अब पहले 5 और 1 को काउंट कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 हो गए और ये 1, 1, अब इन सबको काउंट कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये कितना हो गया, 6. अब आप 6 प्लस 1 कर दीजिए, यानी कि 6 में एक आपका ऐड हो जाएगा, तो 6 और एक कितना हो जाएगा, 7, तो यहाँ पर आपका 7 आएगा. समझ में आया बच्चा, एक और क्वेश्चन करके देखते हैं हम कैसे होता है. देखिए कैसे करते हैं, एक और सवाल लेते हैं. लाइक ये आपका दिया गया है ये वाला, देखो 3, 8, 5, 4. ओके, आपको ये प्लस करना है, 8 और 5 को प्लस कीजिए, या तो आप इस मेथड से प्लस कर सकते हैं या फिंगर्स पे काउंट कीजिए. जैसे 8 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो यहाँ तक काउंट हो गया, उसके बाद 5 काउंट कीजिए इसमें, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये आपको यहाँ तक ये जितना भी है ये पूरा इसे छोड़कर इसे को आपको काउंट करना है. तो काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
कितना हो जाएगा 13। 13 में देखो बेटा कितनी डिजिट है, 2 डिजिट्स है, ठीक है। 13 में कितनी डिजिट है, 2, एक आपकी वंस की और आपकी टेंस की। ये जो नंबर्स हैं आपके, ये भी वंस और टेंस के हैं। तो वंस वाली डिजिट आपकी वंस वाले नंबर के नीचे आएगी, 3 यहाँ आ जाएगा, और जो टेंस की डिजिट है ये टेंस वाले नंबर के ऊपर चली जाएगी, इस तरह से। अब ये 3 और 4 को काउंट कीजिए, 3 4 कितना होता है, 1 2 3, और 4 और ऐड कीजिए, 1 2 3 4, यहाँ तक इन्हें काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, कितना हो जाएगा ये 7। तो 7 में आपको एक और जमा करना है, जो ये 1 आया है ना हमारा, यहाँ से टेंस की डिजिट हमने ली है, इसमें 1 और ऐड कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 7 और 1 8, तो ये कितना हो जाएगा 8। इस तरह से आपको सभी सवाल सॉल्व करने हैं, ओके। अब बुक में देखिए आपने, ओके, बुक की ये आपको जो ये यहाँ से सम्स दिए गए हैं, यहाँ से यहाँ तक आपको ये सभी सॉल्व करने हैं, पेज नंबर 80 और पेज नंबर 81 के। जिस तरीके से मैंने आपको नोटबुक में करके दिखाया, आपको सेम उसी तरह बुक में भी करने हैं। और बेटा जिस नंबर पे डिजिट नहीं होगी वहां आप 0 लगाकर ऐड कर लीजिएगा। फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ पे आपका डिजिट नहीं है कुछ भी, तो यहाँ क्या आ जाएगा 0। इसमें देखिए, इसमें भी आपकी डिजिट नहीं है, तो हमने क्या लगा दिया 0। इसे प्लस करते हैं, 9 और 4 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 4 और प्लस करेंगे, 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ तक काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो कितना होगा ये 13। 13 का इसमें वंस वाला डिजिट कौन सा है और टेंस वाला कौन सा है वो देखना है हमें। तो वंस वाली जो ये वंस वाली डिजिट है ये हमें यहाँ लिखनी है, वंस क्या है 3 और टेंस क्या है 1, तो 1 हम यहाँ कैरी कर लेंगे, ओके, 1 यहाँ कैरी हो जाएगा। अब देखिए टेंस में क्या है, 5 हो गया, 5 में हमें कुछ जोड़ना तो है नहीं, तो जो 1 है इसी को प्लस करना है, 5 और 1 6, तो यहाँ 6 आ जाएगा। इस तरीके से ये आपको सवाल करने हैं, पेज नंबर 81 के भी बेटा आपको ये सम करने हैं। अब आप पेज नंबर 82 पर आ जाइए, ठीक है, इसमें देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, आपने उस तरफ पेज नंबर 80 और 81 पे आपने वंस और टेंस की डिजिट को प्लस किया, यहाँ पर आपको हंड्रेड्स की डिजिट भी प्लस करनी है। कैसे, देखिए वंस की डिजिट को काउंट कीजिए, पहले ये वाला सवाल देखते हैं कैसे होता है। वंस की डिजिट को काउंट कीजिए, 4 और 9 को जोड़ेंगे कितना होगा 13। 13 में आप ये जो वंस का है और ये टेंस का है, तो वंस की डिजिट वंस के नीचे 3 आ जाएगा, और जो ये टेंस की डिजिट है ये हम टेंस के ऊपर भेज देंगे, यानी 1 यहाँ आ जाएगा। अब जो ये 100 टेंस की डिजिट है ना, इसे पहले प्लस कीजिए, 5 और 3 कितना होता है, 5 और 3 काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5, अब इन्हें काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ 8 हो जाएगा, ये 8 हो गया। 8 में आप प्लस 1 करेंगे, क्या करेंगे, 8 में प्लस 1 होगा तो क्या आएगा 9। अब 100 के डिजिट को काउंट कीजिए, 2 और 1 को जोड़िए, 1 2 और 1 1 2 3, कितना हो गया 3। तो आपको इस तरह से ये सम सॉल्व करने हैं, ठीक है। आपको ये बाकी पेज नंबर 82 पे जो सम दिए गए हैं ये भी इसी तरह सॉल्व करने हैं। इसमें क्या पढ़ा हमने कि वंस एंड टेंस की डिजिट को कैरी करते हुए हम किस तरह सॉल्व करते हैं, ये कैरी वाले सम्स है। आप जो ये 1 कैरी कर रहे हो ना, ये कैरी कर रहे हो, आप जो ये 1 टेंस को दे रहे हो ये कैरी कर रहे हो, ओके। पेज नंबर 82 पे पढ़ा कि आप 1, टेंस और 100 तीनों की डिजिट को किस तरीके से प्लस करते हैं कैरी करते हुए। तो आपका ये लेसन यहीं कंप्लीट होता है, बाकी हम अपना नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेसन के साथ शुरू करेंगे, ठीक है। जब तक आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना, पेज नंबर बेटा 80, 81 एंड 82, इन तीनों की आपको ये सॉल्व करने हैं सम्स, ठीक है। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।